वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एकदम सॉल्यूशन ऑफ फाइनल मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि एक्सरसाइज 13.2 का है, जो है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 10x। तो पिछले वीडियो क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला देखा था, किसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल रहे, जो हम चार क्वेश्चन में पहले पढ़े थे, एक्स टू द पावर एम, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू वी और साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी में जो पढ़े थे हम लोग, उन चारों को इसको छोड़ के अगर कोई केस अलग रहे तो हम क्या जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो किस पर बेस्ड है? वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है और पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करके बेस्ड है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लो, क्योंकि अगर वहाँ कंसेप्ट समझ जाओगे तो यहाँ अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, जाके आप जरूर देख लो। और भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की थियोरी और पर्टिकुलर इंटीग्रल की थियोरी के बारे में भी दी गई है, जाके जरूर देख लेना। तो देखो, ये तो एक मेथड हुआ। आगे जो वीडियो आएंगी वो किस पर आएंगी? और तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पर आएंगे और मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, ये भी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के सॉल्यूशन पर। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखो कि दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 10ax, ये दिया हुआ हमारे पास, ये तो आपको क्लियर होगा, दिखाई दे रहा होगा। इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे आसान बात है क्या करना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डी इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। वीडियो पॉज करिए और आप लोग से तो हो जाना चाहिए। चलिए आगे सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। वीडियो आप लोग पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखो इसका सॉल्यूशन। आप लोग देखो यहाँ पर क्या हम लोग किए हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 10x लेंगे। इसका ब्लड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एम स्क्वायर इक्वल टू या माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, इमेजिनरी रूट क्या क्या हो जाएंगे, माइनस आई ए और प्लस आई ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है और बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, बीटा की वैल्यू हो जाती है ए, ठीक है। तो यही सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो आप लोगों को पता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर वन पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट आता है तो उसका क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये होता है, ये तो क्लियर होगा। यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 है तो इस बार अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी वन कॉस बीटा एक्स, तो बीटा की वैल्यू क्या ए है तो ए लिख देंगे, सी टू साइन बीटा एक्स तो बीटा की वैल्यू क्या है ए, वो भी लिख देंगे। तो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये क्लियर होगा आप लोगों को, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर करो। तो चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल पर चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यार क्वेश्चन आएंगे चाहे गेट में आए चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए, हो सकता है क्वेश्चन इसे यहीं से आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई मेथड से नहीं, इंटीग्रेशन वाला मेथड से हो सकता है ये बन जाए। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ, 1/d² + a² × 10ax। हम अभी तक जो भी मेथड पढ़े हैं उसमें तक इसी में ये तो काम नहीं करेगा, केस फोर सब में। जो जनरल केस है उसमें हम लगा के अब देखेंगे। जनरल केस में लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, एफडी जो है, एफडी मतलब जो फंक्शन ऑफ डी है, उसको क्या करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ता है। तो उसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये स्टेप पर देखना, आप लोग ये स्टेप पर देखोगे कि डी इसको क्या करेंगे, फिर अलग अलग कर देंगे, मतलब अलग अलग पार्शियली तोड़ देंगे। तो डी प्लस ए आई ए माइनस डी माइनस आई ए, और जो जो बचेगा इसमें क्या, डी डी कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1/2ai हो जाएगा, हो जाएगा। इसका क्या कर दिया, हो जाएगा, देखो इसका क्या क्या अलग अलग क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे दोनों तरफ को, तो क्या हो जाएगा, 1/d - a और क्या, -1/d + a, ये हो जाएगा इंटू 10ax। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ये क्या है, अगर आपके पास वीएस ग्रेवाल बुक है तो केस 5 जो दिया हुआ उसमें आप फॉर्मूला देख लेना, कॉपी में लिख लेना, तब इसको बैठाना, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, नहीं तो यहाँ आपको हो सकती है कुछ दिक्कतें हैं। तो यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था कि a1/d - m1 + a2/d - m2 इंटू एक्स जो रहेगा, इसमें एक्स क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसके बेसिस पर हम खोज रहे हैं, जैसे टेन टू एक्स यहाँ पर है तो वो हमारा एक्स है, तो उसके क्या ये वाला फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है एक बार आप देख लो, इसका फॉर्मूला है a1 e^(m1x), ठीक है, m1x इंटीग्रेशन ऑफ e^(-m1x)(dx), ठीक है। इसी के तरह सब बैठते जाएगा, m1 की जगह m2 हो जाएगा, a1 की जगह a2 हो जाएगा, प्लस में बैठते जाएगा जितना तक हमारा क्या मिलेगा, फॉर्म है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। जैसे यहाँ पर दो है, दो पार्शियल फ्रैक्शन है तो दो को अलग अलग निकलेगा। चलो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/d - a और -1/d + a, ये तो हो गया। 10x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हम क्या करेंगे, 1/d - ia का क्या करेंगे, हम
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। इसका निकालने के बाद क्या करेंगे, हम फिर इसमें बैठा दें सब्सिट्यूट कर देंगे इन दोनों का निकालने के बाद, तब तो आसान हो जाएगा। नहीं तो एक जगह निकालेंगे क्या बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घिजमिच हो जाएगा और देखने में भी सही नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। चलो सबसे पहले निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एम1 क्या है यहाँ पर, ए आई है, आई ए है, ए की ए1 की वैल्यू क्या है 1 है, और ई टू द पावर एम वन एक्स, एम वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर आई है, तो आई सब्सिट्यूट करेंगे, और एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एम वन एक्स होता है इंटू डी एक्स ये होता है, तो एम वन की वैल्यू क्या है आई ए है, तो क्या हो जाएगा इधर में इंटीग्रेशन के एक्स की वैल्यू टेन ई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थियोरी कि अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा क्या हो जाता है साइन कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ये होता है ना साइन थीटा। तो अगर हम देखो यहाँ थीटा की जगह हम क्या बैठा देते हैं, ई टू द पावर थीटा की जगह हम बैठा देते हैं माइनस टू ए एक्स, ठीक है टू आई एक्स, आई ए एक्स बैठा दे, ठीक है एक्स तो एक कोफिशियंट हो गया जहाँ थीटा की अलग अलग जगह हो जाएगा, और ये क्या कोफिशियंट है, ठीक है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस माइनस ए एक्स प्लस आई साइन माइनस ए एक्स ये हो जाएगा ना, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखो कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, साइन माइनस एक्स क्या था माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ माइनस खुल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स ये हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम आगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिस पर हमने यहाँ पर लिख दिया, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपल इंटीग्रेशन के जो रूल है उस पर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए। तो देखो टेन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो टेन क्या था साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कट जाएगा, देखो पीछे वाले में क्या था यहाँ था कॉस एक्स, यहाँ था क्या यहाँ था कॉस एक्स, यहाँ टेन एक्स था यहाँ कॉस एक्स था, तो कोसाइन बाई कॉस होता है तो कॉस कॉस कट जाएगा टेन साइन एक्स बचेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो वही करते हैं आगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है, तो ई टू द पावर आई एक्स इंटू माइनस कॉस ए एक्स बाई ए माइनस आई इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स इंटू डी एक्स। देखो हम क्या किए यहाँ पर किए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए हम वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, ठीक है साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, ठीक है बाय कॉस एक्स। अब देखो दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स कटेगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स है, सॉरी यहाँ पर ए एक्स आप लोग बैठा लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स हो जाएगा। अब देखो ये सेक एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन भी होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है, तो हम लोग जानते हैं क्लास ट्वेल्व से ही पढ़ते हैं ये चीज़। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड सेक ए एक्स प्लस टेन एक्स। देखो यहाँ पर ए एक अलग टर्म है, अकॉर्डिंग टू द रूल टू ऑफ इंटीग्रेशन वी नो दैट इफ एनी थिंग इज मल्टीप्लाइड विद द एनी कॉन्स्टेंट टर्म इज मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन टर्म एक्स देन इट कम्स इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ए है ए डिनोमिनेटर में आ गया है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन के बारे में दिक्कत आए डिफिकल्टी आए तो क्लास ट्वेल्व की कुछ वीडियो होंगी यूट्यूब पर, आप जाके जरूर देख लो और समझ लो। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ गया कॉस एक्स बाई ए माइनस कॉस एक्स बाई ए हो गया, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आई वाला जो पार्ट हम लोग अलग रखे हैं तो आई वाला पार्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, तो आई वाला पार्ट में ही आता है, ठीक है अलग कैलकुलेट करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ देखो आई लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस ए ये तो आसान है इंटीग्रेशन, आप लोग कर लोगे खुद से, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझा दिया मैंने यहाँ तक, आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन इसका होगा। तो आगे देखो ई टू द पावर आई ए एक्स ए कॉमन ले लिया हम बाहर, ठीक है तो बचा क्या हमारे पास, और हम क्या करते हैं जो हमारा कांस्टेंट टर्म सब है, कांस्टेंट टर्म नहीं मतलब इसमें आई मल्टीप्लाइड है और हमको एक फॉर्मूला में आ रहा है उसको कम एक साइड ले लेते हैं, तो कॉस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स हटा देखो यहाँ पर क्या, और ब्रैकेट खोलेंगे इस ब्रैकेट को आई के बाद जो माइनस बाहर है इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद यहाँ आएगा फिर हम माइनस कॉस से लेंगे कॉमन, तो क्या कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा स्टडी करना पॉज करके वीडियो समझ में आ जाएगा। फिर क्या करते हैं ये क्या हो जाता है ये क्या फॉर्मूला जो देखो शुरू में जो हम लोग बैठाते हैं वही फॉर्मूला पर क्या आता है आ जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स ये हो जाएगा ना, सोचना थोड़ा सा हो जाएगा यही। तो क्या हो जाएगा देखो आई ए एक्स और लॉग मॉड आई इंटू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हम बाहर निकाल दिए थे। अब हम क्या करेंगे ई टू द पावर आई एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वाला पार्ट क्या हो जाए वन हो जाए, हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करने यहाँ वन हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करके ये वाला हो गया,
यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया, आप लोग कॉपी में जरूर उतार लो, नोट कर लो ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो आई की वैल्यू थी वो माइनस ए कर देते, क्योंकि हमारे पास दो रूट्स हैं, एक थे आई ए और एक थे क्या माइनस आई ए था, माइनस आई ए था ना, तो माइनस आई ए के में क्या था, आई के जगह सिर्फ माइनस आई बैठाना है। तो हम इक्वेशन टू में क्या किए, इक्वेशन टू एक बार देख लो, इक्वेशन टू ये वाला है, ये वाला इक्वेशन टू है। इक्वेशन टू में हम क्या किए, बैठा दिए किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू माइनस ए बैठा दिए, तो क्या हो गया ई टू द पावर माइनस ए एक्स, क्या यहाँ पर क्या था आई की वैल्यू पॉजिटिव थी और यहाँ क्या था नेगेटिव थी आई की वैल्यू, तो क्या हो गया यहाँ पॉजिटिव हो गई, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव थी, यहाँ नेगेटिव हो गई। अब उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या निकलता है, ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस आई लॉग मॉड से के एक्स प्लस टेन ए एक्स, यही होता है। अब देखो क्या करेंगे, ई टू द पावर आई एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले की तरह, जैसे पिछला हम किए थे हम लोग, तो यहाँ माइनस ए बचता है, माइनस वन बचता है प्लस आई इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू लॉग मॉड से के एक्स प्लस टेन ए एक्स, ये हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री आ गया, और इक्वेशन वन में आप क्या करेंगे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन वन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ये वन बाई डी माइनस ए और वन बाई डी प्लस ए है, ये वाला है, इसमें आप लोग क्या करेंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें क्या सॉल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा, देखो कैसे सॉल्यूशन निकलता है। सब्सटीट्यूशन के बाद हम देखते हैं क्या होता है, वन बाई ए ये जो पहला वाला इक्वेशन टू, इक्वेशन टू का निकला था, ये इक्वेशन थ्री का निकला था, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिए, और वन बाई टू ए जो बाहर था वो तो बाहर है ही। अब देखो क्या करते हैं, सबका ब्रैकेट खोलते हैं और ए क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा, कट जाएगा ना, और क्या होगा ई टू द पावर ए लॉग मॉड सेक एक्स प्लस, क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स क्या कॉमन आ जाएगा, और आई जो है बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ ए का ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस वन बाई ए स्क्वायर बच जाएगा, और टू को हम क्या कर देंगे भीतर कर देंगे, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला के अनुसार ई टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू क्या हो जाता है कॉस ए एक्स हो जाता है, तो सिमिलरली ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू क्या हो जाता है साइन ए एक्स, ये वाला आप नोट कर लो अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स नंबर थ्योरी के अनुसार ये सब, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। तो वही फॉर्मूला के अनुसार हम क्या है इसको लिख लिए, ठीक है, बाई टू है वहाँ पर ध्यान लेना, ये बाई टू है, तो लॉग मॉड क्या साइन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, यहाँ पर हम लोग यहाँ ये स्टेप भी कर लिए, और बचा क्या हमारे पास वन बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स, इसको क्या लिखते हैं हम लोग कॉस ए एक्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये लिखते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। चलो कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर देखते हैं क्या था कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है सी एफ प्लस पी आई, ये हमारा क्या सी एफ है, ये हमारा क्या पी आई है, तो दिख ही रहा होगा क्या सॉल्यूशन है, आप लोग खुद से लिख लो सॉल्यूशन, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, थैंक यू।